माँ आओ देखो, बाहर दरवाजे पे एक बच्चा पड़ा है। क्या कहा? हाय बेचारा बच्चा, क्या किस्मत पाई है मेरी जान। मेरा बच्चा, नहीं 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 नहीं, बच्चे को यहीं छोड़ो, छोड़ो इसे, चलो अंदर चलो, जाओ जाओ अंदर जाओ, चलो चलो अंदर, जल्दी जल्दी चलो अंदर, चलो चलो अंदर चलो। मालूम नहीं आप किस शब को यहाँ पे शोरा की महफिल जमे, कभी भी हो यहाँ एक हंगामा ही बरपा होगा। सलामत रहिए। अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तुमने बानो को बता दिया कि खजूरें तैयार हैं और अब इन्हें बाजार लेकर जाना सुबह होने को है? हाँ बता दिया। अच्छा, ये अभी तक सोने नहीं गया है? पता नहीं, इस थके मांदे जिस्म के साथ बाजार में कारोबारी लेन देन कैसे करेगा? खुरमों को सस्ता बेचेगा और क्या करेगा? सस्ता बेचेगा? अरे मुफ्त में दे देगा। देखा नहीं लेन देन के मौके पर कितनी सखावत दिखाता है। वो बाखूबी जानता है किसे बख्शे और किसे बेचे। हमें देखना पड़ेगा कि इब्न ज़ियाद कब बसरे से जाता है। अगर ये खबरें दुरुस्त हैं कि अहले कूफा ने मुस्लिम की बैत कर ली है, तो जब तक कि सिपाहियों को जमा न कर ले नहीं जाएगा। वक्त रेत की मानिंद हाथों से निकला जा रहा है। उबैदुल्ला अपनी तलवार निकाले हुए हमारा मुंतजर है, वो हम सबको पहचानता है। नहीं मालूम कितने अफराद शेर का सा दिल रखते हैं और नुसरत हुसैन के लिए तैयार हैं। अली के महबूबों को खबर कर देना चाहिए। ये काम हम पर छोड़ दें। महरूम को भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है, सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर जाना मुश्किल है। सैकड़ों बंद दरवाजे भी अगर मेरे सामने हो तब भी खुदाए वाहिद की कसम के मैं खुद को इमाम तक पहुंचा के रहूंगा। बाकी आप लोग खुद जाने। इमाम की नुसरत के लिए जाने से पहले हमें काफी संजीदगी से काम लेना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं अबा खालिद? आपका घर अब सुलेमान के रहने के लिए मुनासिब नहीं रहा। जासूस सुलेमान और हमें महज चंद दीनारों के एवज इब्न ज़ियाद के हाथों भेज डालेंगे। बानो मारिया की मेहमान नवाजी इजाजत नहीं देती कि सुलेमान कहीं और जाके रहे। मुझे उनकी बीवी सलमा को भी ढूंढना है। आप लोग बीवी और बच्चे की तलाश खुद मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आप इस शहर में अजनबी नहीं रहे सुलेमान, इस शहर के बहुत से लोग आपको देख चुके हैं। सुलेमान, लापरवाही से कुचो बाजार में कदम मत रखना। मुझ पर एहसान करिए, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए।
अभी एक शख्स और बाकी है जिस तक मैंने पैगाम नहीं पहुंचाया है। इनका इशारा मुंजिल इब्ने जालूत की तरफ है। वो तो कई रोज से दरिया के उस पार अपने नखलिस्तानों की तरफ गया हुआ है। ये काम मुझ पर छोड़ दे। लेकिन क्यों? मुंजिल इब्ने जियाद की बीवी का बाप है, उसकी बेटी बहरिया इब्ने जियाद के घर में, उसे छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ जो अपनी मर्जी से अमल करूँ। हम पैगाम को तीर में बांध कर उसके घर में फेंक देंगे। मुमकिन है वो उसके हाथ ना लगे या गुमान करे कोई साजिश है। मुझे खुद ही ये पैगाम अपने हाथों से उस तक पहुँचाना होगा ताकि हुज्जत पूरी हो। सुलेमान, उससे मोहतात रहो। मेरा फर्ज पैगाम पहुंचाना है अपनी जबान और हाथ से डंके की चोट पर, ना कि खुफिया। बानो कहाँ है? बानो हुजूर, इब्ने ज़ियाद के सिपाही घर पे जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं और किसी भी लम्हे आ सकते हैं। इनको तलवार से जवाब दूंगा। ठहरो, आप लोग खुद को मेरी वजह से हलाकत में ना डालिए। नहीं सुलेमान, अगर तुम्हें देख लिया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा तुम यहीं रहो। मैं उन्हें मसरूफ रखती हूँ। अगर सुलेमान के इरादे से आए होंगे तो सुलेमान की हिफाजत आपके जिम्मे। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अमीर के महल में ले जाऊं। मैं खुद भी वहीं जा रही थी। मेरा काम आसान कर दिया बानो। मैंने अदम से कहा था कि उबैदुल्ला आएंगे, कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना। ये जंग मेरे और उबैदुल्ला के दरमियान है, कहीं ऐसा ना हो कि तलवार उठा लो। मैं अपनी जसारत की माफ़ी चाहता हूँ बानो। यहाँ खून नहीं बहना चाहिए। तलवार हाथ में नहीं उठाना सिवाय जंग की सूरत में, समझ गए? मैं नहीं समझा, बस आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर समझ जाते कि मैं क्या कह रही हूँ तो आज उबैदुल्ला के गुलाम ना होते। आपको दारुल हुकूमत चलना होगा। इन्हें बानो को दारुल हुकूमत नहीं ले जाना चाहिए। उबैदुल्ला के पास जाना खतरे से खाली नहीं। जल्दी कीजिए बानो। परेशान मत होइए, ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि मैं उबैदुल्ला के महल में जा रही हूँ। तो फिर चलिए। मैं इन कुत्तों को हरगिज़ बानो को ले जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरा खून ही क्यों ना कर दिया जाए। मैं फिर वही कहूंगी कि एक घंटे के अंदर आ जाऊंगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जानते हो ना, मुझे वापस आना होगा। मेहमान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खुद उसे मेजबान का इंतजाम करना पड़े। एक घंटे के अंदर अंदर दारुल हुकूमत पहुंचना चाहिए। तुमने खुद ही ऐसा चाहा था। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची ना? अच्छा होता कि तुम घर आए मेहमान की इज्जत का ख्याल रखती और वो बर्ताव ना करती। पूरा शहर तुम्हारी एक नजरे उल्फत का मुंतजर है और तुम मगरूर और खामोश। खामोश क्यों हो? यहां के जाहो जलाल ने तुम्हें हैरान किया हुआ है या मेरा वजूद तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस है? Ha 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 ha.
मुमकिन नहीं कि महल की मलका महल से जा सके। 200 कनीजें तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये बहिश्त अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ तुम्हारे लिए सजाई गई है। इन सबको ठोकर मारना क्या दानाई है? तुम हरगिज अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। इस बहिश्त के दरख्त तुम्हारे लिए जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। मैं औरतों की तंजिया गुफ्तगु हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तखलिया, प्यार की जबान समझ में नहीं आती। बाखुदा, इससे पहले कि तुम्हारे नापाक हाथ मुझ तक पहुंचे, हम में से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। आखिर चाहती क्या हो? बसरे के लोगों पर जो तलवार उठाई, उसे वापस न्याम में रख दो। तो क्या तुम इसका जिम्मेदार मुझे समझती हो? जिस फितने ने शहर भर में आग लगाई हुई है और औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया है, तुम्हारा गुस्सा और नफरत इस वजह से है? ये तो तुम्हारे हुसैन की जातलबी का ही नतीजा है। देख लो, लोगों का क्या हाल कर दिया है। चंद रोज मुझे सोचने की मोहलत दो, देखूं तकदीर हमें कहां ले जाती है। बिलाखिर तुम्हें हासिल करके ही दम लूंगा। ऐ तेज रफ्तार हिरनी, ये जगह हमारे इकट्ठे होने के लिए मुनासिब रहेगी, क्योंकि ये इब्न ज़ियाद के सिपाहियों की नजरों से ओझल है। दरवाजा किस तरफ है? उधर देखो, वहां उस तरफ दालान के पीछे। जाओ खुद भी देख लो। बानो मारिया आ गई, बानो मारिया आ गई। बानो, आप आ गई, शुक्र है खुदा का। अगर जरा देर और होती तो हम अपने आदमियों के साथ दारुल हुकूमत पर हमला कर देते। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इब्ने ज़ियाद चाहता है कि जाने से पहले अपने तमाम नामुकम्मल कामों की तकमील कर ले। मुमकिन नहीं कि वो बानो से दस्तबरदार हो जाए। जश्न और सोग एक साथ ही मनाना चाहता है, ये उसकी कमजोरी है। और अगर हम हालात को अपने काबू में कर लें, तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या करें? पानी, मीठा पानी, पानी ठंडा, पानी ठंडा शफाफ पानी। क्या बात है, पानी नहीं पी रहा इस गर्मी में। ठंडा पानी, मीठा पानी, पानी ठंडा पानी है भाई, पियोगे? पानी, पानी ठंडा पानी। अरे भाई, ये तो पानी है। पानी के बाद कुछ नहीं पीना चाहिए। ये गर्मी में आबे हयात है, नहीं पियोगे तो हलाक हो जाओगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो दरवाजे के पहरेदार हो, पानी तो बहुत छोटा सा नजराना है। हाँ ये तो है, शहर की निगहबानी तो करनी होती है। बेशक बेशक। ये दरवाजे को क्यों बंद कर रखा? कुछ लोग भागना चाह रहे हैं। अरे नहीं, भागेंगे कहाँ? हुसैन इब्न अली के पास।
अब तक इनमें से 10 अफराद भाग चुके हैं। उन्हें पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ सके। नहीं पकड़ सके? 10 सवार पीछे भेजते ताकि इससे पहले कि वो बसरे से दूर हो जाएं उन्हें पकड़ लाते। हाँ, तो फिर शहर के दरवाजे की निगहबानी कौन करता? दूसरे सिपाही। क्या तुम यहाँ सिर्फ 10 अफराद हो? जाहिर है कि नहीं, 30 अफराद हैं, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। एक बात बताओ भाई। माशकी, क्या अमीर उबैदुल्ला दारुल हुकूमत से चले गए हैं? अमीर उबैदुल्ला? माशकी, वहाँ क्या कर रहे हो? पानी है, मीठा पानी, पानी, एक प्याले पानी की तो कोई हैसियत नहीं है भाई। आप पानी मुझसे मुफ्त में पी लें। वहाँ से दूर हटो, नजदीक मत आना। खफा ना हो जनाब, और अगर चाहें तो कुछ दरहम दे दें। तुम्हें कहा ना कि दूर हट जाओ ऐ शख्स, वरना तुम्हें कोड़े मारने का हुक्म दे दूंगा बदबख्त। पानी, ठंडा पानी, पानी। अच्छा काम किया। तुम यहीं रुको। कहाँ कहाँ रुको, तुम दरवाजे से नहीं गुजर सकते। क्या पता नहीं? तिजारत की गर्ज से शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। कोई भी गर्ज हो नहीं जा सकते। यही मेरा कारोबार है, अगर मेरा माल तिजारत ना बिक सका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इन्हें दूर हटाओ, किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। बस मैंने कह दिया, तुम दरवाजे से नहीं गुजर सकते। मैं तिजारत की गर्ज से जा रहा हूँ, ऊँटों पर लदा ये सामान गवाह है। जब तक हुसैन मक्के में है, हत्ता अगर वाजिब हज के लिए भी जाना चाहो तो नहीं जा सकते। अपने माल तिजारत को शहर ही में भेज दो, अच्छे खासे ग्राहक मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मुझे मक्के से क्या सरोकार? नहीं खुल सकता, नहीं, ताजिर आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। देखते क्या हो, इन्हें तलवारों के जरिए दूर हटाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ चले जाओ यहाँ से। किसी का ख्याल नहीं। हम किसी तरह भी इस दरवाजे से गुजर नहीं सकते सिवाय शमशीर और तीर कमान के जोर पर। तमाम शिया ने अली को खबर करनी है कि पहरेदार हमसे ज्यादा मुसल्ला है लेकिन उनकी तादाद कम है। सबको खबर कर दो। उन्हें खबर करने में तकरीबन आधा दिन लगेगा। हाँ, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। कितने अफराद मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे? यही कोई 40 अफराद तो होंगे ही। बेहतर है आप चले जाएं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मुंजल की कोई खबर मिली? नहीं मिली। पानी, ठंडा पानी पियो, साफ शफाफ पानी, ठंडा पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सस्ती बेच रहा हूँ, खरीदोगे? कितने में? 30 दिरहम में। नहीं, बहुत हैं। तुम कितने में लोगे? 20 दिरहम ठीक रहेंगे। ये लो 20 दिरहम।
क्या चाहिए? हमारे लिए रोटी, दूध और कुछ खजूरें ले आओ। तन्हा हो? नहीं, हम दो अफराद हैं। इस गर्म हवा में इस शीर्षवार बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी और मुसाफिर हूँ। कम अज कम बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ाते ताकि वो उसे दूध पिला देती। देखो तो भूख से इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। ये लें। मेरी जान, ये दूध इसके लिए बहुत सकील है, इसे हजम नहीं होगा। कोई चारा नहीं, इसकी माँ बहुत नहीं लागर है, क्या कर सकता हूँ। इसके लिए कोई दाया रख लेते। शहर के मरकजी दरवाजे की तरफ आ जाना। अच्छा ठीक है। आग पर तो दुश्मन की भी नजर पड़ सकती है। कोई और चारा भी तो नहीं? जब तक वो आग का सबब दरियाफ्त करेंगे हमारा काम हो चुका होगा। अगर सदर दरवाजे पे हमला किया तो इब्ने ज़ियाद के सिपाही गिदड़ों की तरह हम पे टूट पड़ेंगे और मुश्किल हो जाएगी। हुसैन तक पहुँचने के लिए और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। और जैसे ही इस मरहले से गुजर गए तो समझो दीदार इमाम तो यकीनी है। बस खुदा रहम करे। हौसला रखो, हौसला। याद रखो हमें उन पर बिजली की तरह टूट पड़ना होगा। मगर किस तरह? बिलफर्ज अगर हम उन पर गलबा ना पा सके तो फिर? घबराने की कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। सुलेमान, 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 अदम। मैं तो परेशान हो गया था। जल्दी आ गए? सबको खबर कर दी। मंजिल की कोई खबर? अभी नहीं आया, चलो घर चले। अब फिर पहनना होगा। एक माशी के साथ जाना आदम के साथ जाने से कहीं बेहतर है। चलो।
ये हमारी सिपाह के चुने हुए जंगजो घुड़सवार हैं अमीर। इनमें से हर एक 10 पर भारी है। ये आपकी कूफे तक बल्कि दारुल हुकूमत में भी हिफाजत करेंगे। जब तक सुलेमान जिंदा है मैं बसरे से नहीं जा सकता। बसरा को मुझ पर छोड़ दे। ये तुम्हारे लिए तरने वाला है। मुस्लिम कूफे में, सुलेमान बसरे में, हुसैन इब्ने अली मक्के में, मुझे अपने अजदाद की कसम, अगर मैं ना होता तो खलीफा इनमें से किसी एक पर भी दस्तरस हासिल नहीं कर सकता था। वो इसे एक गुठली की तरह चूस कर फेंक देते। अमीर उबैदुल्ला पर सलाम हो। गरबता, तुम बजाय इसके के अपने सिपाहियों को सुलेमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सारे शहर में भेजते, इसके बजाय यहाँ नुमाइश के लिए ले आए। सुलेमान नामी 5 अफराद अब तक पकड़े जा चुके हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कोई भी सुलेमान ना था। 5 हो या 5,000 या और ज्यादा, सबको गिरफ्तार करो। कोई ना कोई तो उनमें से सुलेमान होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोज हैं। 2 दिन के अंदर उसका सर सदर दरवाजे पर लटक जाना चाहिए। शहर में मनादी करा दो कि जो सुलेमान को देखे और खबर ना करे सख्त सजा होगी। उस शख्स को कत्ल और उसके घर वालों को असीर किया जाएगा। अमीर अगर इजाजत दें तो उसके सर की कीमत 200,000 दीनार ऐलान कर दें। लेकिन ये मुनासिब नहीं अमीर, जबकि हम बासानी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका खुद से मुआजना मत करो, वो सफीर हुसैन है। जाओ और जो मैंने तुमसे कहा उसे अंजाम दो। सिपाहियों चलो। सुलेमान का मामला आप मुझ पर छोड़ दें और आप कूफे रवाना हो जाएं। तुम मेरे भाई उस्मान, लेकिन तुम्हें लोगों की पहचान नहीं। अहले बसरा उस बिल्ली की मानिंद हैं कि अगर तुम्हारे दाएं हाथ में लकड़ी ना हो तो ये उस गोश्त की अवस में जो तुम्हारे बाएं हाथ पर रखा है तुम्हारे चेहरे पर पंजा मारेंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। मैं अहले बसरा की बनिस्बत कूफियों से ज्यादा खौफजदा हूं। वो मुस्लिम के गिर जमा हो गए, उनकी तादाद 16,000 तक पहुंच चुकी है। लिहाजा कुछ अरसे ठहर जाए जब तक कि शाम की फौजें मदद के लिए ना आ जाए। ये काम सिपाहियों के बस का होता तो खलीफा इस फितने की सरकूबी की जिम्मेदारी मुझे ना सौंपते। ना मुझे ना सौंपते। इधर आओ। किधर? तुम्हें सुलेमान का कुछ पता है कहाँ मिलेगा? क्या कहा, सुलेमान? हाँ। कोई माहिगीर है? अब हर कोई तो माहिगीर होने से रहा, और ये भी मैंने नहीं पकड़ी। तुमने नहीं पकड़ी, लेकिन हुलिया से तो माहिगीर ही लगते हो। हाँ माहिगीर हूँ, लेकिन इस मर्तबा मैं खुद शिकार हो गया हूँ सुलेमान की वजह से। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अच्छा, तो तुम सुलेमान शिकारी को ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, उसे मैं नहीं जानता। क्या तुम बानो मारिया बिनते अब्दुल कैस के घर में नहीं होते हो? वो तो बसरे की बानो है, कहीं तुम सवाली तो नहीं? सवाली तो हूँ। ठीक है बानो सखी खातून है, सोचता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। खुदा तुम्हारा भला करे, मेरा घर जला दिया गया, मेरा सब कुछ लूट गया। यानी तुम सुलेमान को जानते हो? वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? बेहतर है असल मौजू की तरफ आओ। वो मेरे घर में है,
नहीं, मेरा मतलब हमारा घर जला दिया गया और अब वो हमारे पास है। क्या मतलब, तुम किसकी बात कर रहे हो? सुलेमान, नहीं सुलेमान की बीवी। क्या कहा, वो कहाँ है? एक पुराने खंडर में वो सुलेमान की मुंतजर है। वो सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा है। मुझे डर है कि अगली सुबह का सूरज उसे नसीब ना हो। रुक क्यों गए? यहां पर मेरी शरीक हयात, तुम कितनी अच्छी हो। कुछ तो बोलो सलमा, मुझे बताइए मेरे भी बच्चे के साथ क्या सलूक किया गया। क्या आप लोग जानते हैं मेरा मासूम बच्चा मेरी जिंदगी का हासिल कहा है? हमें माफ कर दें, हम आपकी अमानत का ख्याल ना रख सके। ओ सलमा,
मैं तो ये सोचता था तुम मुझसे लंबी उम्र पाओगे, लेकिन तुम मुझसे पहले चली गई। मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया, रात में क्यों? उन्होंने खुद ही ऐसा चाहा था, कहा कि मेरे सुपुत्र एक अहम फरीजा है जिसमें ताखिर मुनासिब नहीं। मुंजिर इब्ने जालूत जी बानो, उन्हें मालूम है मुंजिर वापस आ गया। काफी देर से वो इसी तरह उनसे राजो नियाज में मशगूल है। क्या कह रहे हैं? हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जानती हूं क्या कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके दिल की तसल्ली के लिए मेरे अल्फाज नाकाफी होंगे। मुझे हर हादसे की तवक्को थी, लेकिन सिवाय इसके। यह सगम है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और शायद हवादे से रोजगार इसमें मजीद इजाफा कर दे। उनके पीछे जाओ। ये मुंजिल का घर है। तुम्हारी वापसी तक रुका हूं।
कौन हो तुम? मैं सुलेमान, मुंजल के लिए पैगाम है। रात के इस वक्त मेरा उससे मिलना जरूरी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। कौन से कबीले से हो? बनी हाशिम के आजाद किए गुलामों से। क्या हुसैन इब्न अली का पैगाम सिर्फ मेरे लिए है? मेरे मौला ने बसरे के 5 सरदारों के लिए यही पैगाम भेजा है। औरों तक ये पैगाम पहुंचा चुका हूं, आप 5वें हैं। उन लोगों ने क्या जवाब दिया? उन सरदारों में से तो किसी ने भी कोई खास तआवुन नहीं किया। शायद दिल में तो इमाम की नुसरत का अज़म रखते हों, लेकिन चाहते ना हो कि मुझे बताएं। तुम जानते हो कि मैं मुंजल इब्न जालूद उबैदुल्ला की बीवी का बाप हूं? हाँ जानता हूं। और फिर भी नहीं डरे, अकेले इस खत के हमरा मेरे घर चले आए? उस खत के हमरा कि अगर किसी के हाथ में देख लिया जाए तो उसके सर को एक दरवाजे पर और तन को दूसरे दरवाजे पर लटका दिया जाए। मुझ पर तो अपने मौला का पैगाम पहुंचाना लाजिम है। बरसरे आम। देखो कुछ करता हूं।